अवसर नहीं बनाए गए, जबकि भारत सरकार पूंजीपतियों को उसका फायदा देती है डायरेक्ट नहीं बल्कि पब्लिक सेक्टर बैंक के थ्रू। और अडानी अंबानी जैसे लोगों के, तमाम लोगों के कर्जे माफ़ किए गए हैं, यहाँ तक कि माल्या ने, पूंजीपति माल्या ने 9,000 करोड़ रुपये लेकर के और वो यूके की शरण में चले गए, जो कि 9,000 रुपये इनका कंप्लीट ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा वोडाफोन का करीब 10 साल हो गए, 1300 करोड़ रुपया टैक्स का आज तक नहीं दिया उन्होंने, सब बीजेपी ने मिलकर के, मोदी सरकार ने मिलकर के सब देश को नुकसान पहुंचाया। हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि 9,000 करोड़ रुपया जे और अडानी अंबानी को हज़ारों करोड़ पूंजीपतियों के हज़ार रुपया जो बैंकों ने माफ़ कर दिया, यदि वो आपके लिए गाँव में कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था होती तो टमाटर आलू प्याज और हरी सब्जी आप कोल्ड स्टोर में रखते और किसानों को जब जरूरत पड़ती तब बेचते और इससे आपके मजदूरों की वहाँ रोजगार की रोजगार में बढ़ोतरी होती और आप लोगों की रोजी रोटी और आपकी हालत सुधरती। आपके जो मजदूर जो माइग्रेट हो रहे हैं वहाँ अकेली रह जाती है, 93% मजदूर जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के हैं, आंगनवाड़ी हो, आशा हो, खेतिहर मजदूर हो, रोड की मजदूर हो या रोड के किनारे गड्ढा खोदने वाली हो, ये सब व्यवस्था जो है आपकी अच्छी होती। यहाँ तक कि हमने मिर्ज़ापुर में और सासाराम में सुना था कि वहाँ के ट्रेड यूनियन ने आंदोलन किया कि जो ठेकेदार हैं बुलडोजर से नहीं गड्ढा खुदवाएंगे, मजदूरों से खुदवाएंगे ताकि रोज़गार मिले, और वो ठेकेदार को ही मजबूर कर दिए सरकार तो पीछे उनको करना पड़ा। यहाँ तक कि एक तमिलनाडु में मोटर की कोई फैक्ट्री है जहाँ की जब FDI की बात आई तब उन्होंने बोला हम इतने हजार लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर 700-800 मजदूर आ गए हैं, 5 या 6 प्लांटों में उन्होंने रोबोट लगा दिया है और सारे मजदूरों को गायब कर दिया, हज़ार मजदूरों को गायब। तो ये हमारी, हम इसी इन्हीं बातों के लिए कर रहे हैं कि हमारी रोज़गार की व्यवस्था जो है, रोज़गार की बढ़ोतरी होनी चाहिए, न कि मशीनीकरण और ठेकेदार और यूरोप और अमेरिका में जहाँ की पूंजीपति व्यवस्था ध्वस्त हो रही है उनको बुला करके और हमारे यहाँ ला करके हमारी बेरोजगारी पैदा करेंगे, उनकी दलाली खाएंगे और हमारे देश को बेचते जाएंगे, जो कि देश विरोधी है। ये मजदूर संगठन है, मजदूर संगठन के सारे नेता लोग यही बोले हैं कि हम देश को बेचने नहीं देंगे, और मजदूर में सबसे बढ़िया ताकत होती है, सैकड़ों सालों का इतिहास है, मजदूरों ने इतिहास को बदला है, देश को मजबूत बनाया हो, चाहे यहाँ की व्यवस्था हो चाहे कहीं के भी, और हम भारत में भी यही हमारे मजदूर इसी को लेकर के आए हैं कि हम इस व्यवस्था को बदलेंगे। सामाजिक सुरक्षा, लेबर रिफॉर्म को लगातार जो है परिवर्तन करती जा रही है भारत सरकार, जिससे कि हमारा मजदूर जो ये महापड़ाव जो है उसका विरोध कर रहा है और यहाँ तक कि हमें गुलामी की तरफ ले जा रहे हैं, जो कि मोनार्किज्म राजतंत्र था और ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अंग्रेज थे। यदि आपको इसी दिन के लिए रखना था तो हम लोगों ने आंदोलन जो किया ब्रिटिश के खिलाफ किया, राजतंत्र के खिलाफ किया, हमारी कुर्बानी जो है बेकार जाएगी। हम मोदी जी को कहना चाहते हैं मंच के माध्यम से कि ये हम होने नहीं देंगे जो कि आप फिर ईस्ट इंडिया कंपनी और राजतंत्र को लाना चाह रहे हैं दूसरे देशों जैसा, जैसे हर जगह कहीं मोनार्क है, कहीं पर प्रिंस है, कहीं पर किंग है, कहीं पर नवाब है, उसको हम नहीं होने देंगे। और इस मंच के माध्यम से मोदी सरकार को हम बताना चाहते हैं कि जो तुम चाहते हो वो हम नहीं होने देंगे, हम उसमें परिवर्तन के लिए अपना खून बहाना हुआ, पसीना बहाना हुआ तो उसके लिए हम संघर्ष करेंगे और लगातार चलते रहेंगे। सामाजिक सुरक्षा के नाम पे सरकार जो है 1,000 से, हमारा माध्यम जो है कह रहा है कि 1,000 से CTU मांग कर रही है कि 3,000 कीजिए, और 1,000 को भी बंद करते जा रहे हैं। हमारे जो है समय की कमी है, हम इसमें कहेंगे कि PSU में, रेलवे में इन्वेस्टमेंट को रोकिए, ठेकेदारी प्रथा को रोकिए, 32,000 रुपया बैंक देता है एक चौकीदार के लिए ठेकेदार को और उसको 5,000 रुपया मिलता है, और PF ग्रेचुटी उसकी सीमा को ख़त्म करें, ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रेशन को विद इन टाइम दें, ILO कन्वेंशन के 8390 को रेटिफाई करें और निजीकरण को रोके, ESI PPF को अपने हाथों में न लें, और कॉरपोरेट सेक्टर को और हमें, हमारी मजदूरों को गुलामी से बचाएं। धन्यवाद, समय की कमी है। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, देश विरोधी मोदी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। थैंक यू।